हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज इज येट अनदर डे इन स्विट्जरलैंड एंड वी हैव कम टू सेंट मॉरिट्स और लेट्स रोम अराउंड इन सेंट मॉरिट्स नाउ। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन द एंड वी विल गो टू अ प्लेस जहां हम लोग ऑलरेडी जा चुके बट बहुत एक्साइटमेंट वाली जगह है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। यार बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पे भी। आई एम करेंटली वॉकिंग बर्फ़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो ध्यान से चल लेता हूँ पहले फिर बोलता हूँ बड़बड़। आउच, ये। सो गाइस, द फ्लैग यू सॉ इंडियन फ्लैग, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पे बिकॉज सेंट मॉरिट्स was one of the location जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए थे फर्स्ट टाइम बैक इन 1928 एंड समथिंग कुछ ऐसे ही है। और यार ठीक है, बहुत खुला खुला सा एरिया लग रहा है, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशंस अगर बोलूँ तो नाइस, वेरी गुड, अच्छा एरिया है। एंड दैट इज द लेक जिसकी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और वो फ्रोजन है अभी पूरी, तो बेसिकली लोग यहाँ पे अभी स्कीइंग विंग कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, समथिंग पीपल आर डूइंग समथिंग और दी अदर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। सो यार ठंडा हो रहा था तो आई थिंक कि इट वुड बी अ वाइजर डिसीजन टू टेक आउट द कैप एंड ग्लव्स तो पहन लिए हैं। एंड वी आर हेडिंग टू द फ्रोजन लेक। एंड देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो अगर आप ट्रैक क्या मतलब वॉक कर सकते हो अराउंड द लेक एंड इट इज़ आई थिंक 6 किलोमीटर्स का पूरा डायमीटर है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं करने वाले, जाते हैं मतलब फ्रोजन लेक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कितनी हार्ड है आइस एंड अगर पानी में डूबना होगा डूब जाएंगे। कुछ नहीं, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि अगर हम फ्रोजन लेक पे चलते हैं, अगर लेक सॉलिड नहीं हो तो पानी के अंदर डूब जाएंगे। हाँ, जिस तरह से तुम्हारे पाप है तुम्हें डूब जाना चाहिए। अरे वे 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 फिसलने वाला है सर, वहां पर ही चलते हैं। हां यार उधर चलो वे, अगर ये बर्फ टूट गई, अगर ये बर्फ टूट गई तो क्या होगा? कुछ नहीं, बर्फ टूट जाएगी और क्या होगा, हम तैरेंगे। तैरेंगे, तैरोगे तुम इसमें? अभी देखो बेटा पेंगुइन नहीं हो तुम, ये बात समझ लो। तुम्हें लगता है अगर तुम इस बर्फ के अंदर घुस के तैर लोगे? हम काय तैरेंगे, हम वैसे ही तैरना नहीं आता। गुड डे है गुड डे, सारी जगह से तुम एकदम वो जो ट्रेन कहां ले जन्नत तो नहीं गया? कहां जन्नत? सही है, कहां को दी ट्रेन जन्नत में ले जा रही है? ट्रैक देख रहे हो तुम? वो ट्रैक, वो हां वो ट्रैक देख रहे हो? ट्रेन तो ऊपर आसमान में जाती है। गायब, गायब, पूरा गायब। मतलब कि इन्होंने उड़न खटोला गंडोला नाम कर दिया। हाँ, ये सोचा। उड़न खटोला मतलब उड़न तस्तरी बोलना चाह रहे हो तुम? नहीं, उड़न खटोला बोलते हैं यहाँ, गंडोला बोलते हैं उधर, गंडोला यहाँ से है ना। मस्त लग रहा है। अभी तो कश्मीर में भी नहीं गए थे फिर फ्रोजन लेक कभी, डल लेक में। डर लेक इतना नहीं फ्रोजन होता, उसमें डर होता उसमें पता चले गए और अंदर घुस गए। डर है ना। सो गाइस, अब लोग अभी लेक में अंदर आ चुके हैं, बहुत अंदर आ गए। आप अगर अभी देख रहे हो कि मतलब जो अभी आप फिलहाल देख रहे हो, इतना डिस्टेंस हम लोग अभी कवर कर चुके हैं अभी, एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द लेक। और भी आगे चले जा रहे हैं, देखते कहाँ तक जाते हैं। लेट्स वॉक। मतलब डर तो लग रहा है यार कि अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी क्रैक वैक हो गया फट जाएगी पानी के अंदर सीधे। तो गाइस हम लोग लेक से निकल के आ गए एंड बहुत ज़्यादा ठंडी थी, थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाया वहाँ पे, दो चार फोटो खींची। अब ऊपर की तरफ जा रहे, देखते हैं ऊपर की क्या है। लेट्स गो एंड सी देयर इज द होटल यू आर सीइंग राइट नाउ इज अ 5-star होटल एट सेंट मॉरिट्स एंड
सारे मेरे को जितना बताया गया है सब बड़े बड़े लोग आते हैं, ट्रंप भी आके इधर रुकते हैं। सो दिस होटल हम लोग नीचे से आए एंड केम अप, मतलब स्टेयरकेस था, वी केम फ्रॉम द स्टेयरकेस ऊपर आए एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जो हमें दिखी है। सो बेसिकली थोड़ा सा आगे जाके उस होटल से, द फाइव स्टार होटल विच आई टोल्ड यू अभी, वी हैव कम टू अ प्लेस, आई थिंक दिस इज एन ओल्ड टाउन यहाँ का, आई एम नॉट श्योर बट आई एम, दिस इज जस्ट माई अजम्पशन एंड इज अ कैफे वहाँ पे एक एंड वहाँ पे कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है। लेट्स, भूख भी लग रही है, आई थिंक लेट्स गो एंड ईट ओवर देयर इफ पॉसिबल। इन भैया जी ने जो भी लिखा है ना, बहुत सारे लिखा है, काउंट द मेमरीज एंड नॉट द कैलोरीज, दिस इज द प्लेस आई थिंक। हाँ यस, ये कोई तो बेकरी शॉप होगी यार। उस बेकरी से विच आई शोड यू अर्लियर, वी हैड चीज केक, ब्लैकबेरी केक, कॉफी एंड गिफली एंड द चीज केक, आई हैव टू टेल यू दैट इट वॉज अमेजिंग, अल्टीमेट चीज केक था एंड आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट चीज केक आई एवर हैड। सो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा होगा ये। या नाउ वी आर हेडिंग टू द रेलवे स्टेशन एंड देन वहाँ से वी विल बी गोइंग टू अनदर प्लेस। दिस वॉज टोटली अ स्पॉन्टेनियस प्लेस, वी डिडंट हैव अ प्लान टू गो देयर बट जा रहे हैं एंड लेट्स एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। जस्ट कीप वॉचिंग एंड यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल। So guys, we have come again to Prada for sledding and yes, yay, second time. Aniket bhai inka man tha aur isne bhi nahi ki thi and bhabhi unne bhi nahi ki thi. So Rahul aur mera plan tha ki in log ko leke aaye because isi route se hum log wapas jaane to. So why not try sledding for the first time for them and second time for Rahul and me. So yeah, let's go. Wahan tak to kuch nahi hai. Ready guys? Yeah. Ready bhau? Yes. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समझ गया ना सर, चलते रहो सर। अरे मैं कर लूंगा बैलेंस, चलो सर। कम ऑन बॉय, कम ऑन, कम ऑन मैन, कम ऑन, चलो चलो। So guys, round one is done and मैं सबसे पहले इधर नीचे पहुंच गया हूँ एंड राहुल भाव, सुशील एंड भाभी दे आर ऑन द वे एंड लेट्स सी कि राउंड टू हम लोग करते हैं कि नहीं, बट मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार एंड सिंस दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ भाव, सुशील एंड भाभी, सो लेट्स सी वॉट्स देयर ओपिनियन, बट राहुल और मेरा तो बहुत मन है करने का, बाकी का देखते हैं एंड देन वील गो फॉर राउंड टू। नहीं सर, नहीं अभी नहीं, वो ये अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं स्टेशन। ऑल गुड, ये राउंड खत्म सर, हो गया। हाँ सर इतना ही है, बिल्कुल जाएंगे भाऊ। अरे सर अकेले आओ, मेरा भी एक अकेला, एक नंबर। सो गाइस सेकंड राउंड इज डन एंड द नाइट स्लेजिंग वाज अमेजिंग, आई डिड नॉट टेक माय मोबाइल ऊपर बिकॉज थोड़ा यार क्या था कि अभी सेंस ठंडी हो गई है तो अभी क्या हो रहा था कि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल या कुछ भी कैमरा लेके नहीं घूम रहा था। सो
So yeah, we are down here, submitted our sledges and we are going to have dinner now. So Rahul, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत बढ़िया सर, अल्टीमेट है. थैंक यू अल्टीमेट है सर ये चीज. Start. Yes.